दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश मिश्रा जी, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी, कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं विश्वविद्यालय की अन्य समितियों के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, आंगनवाड़ी की सभी महिलाएं, प्यारे बच्चे, प्रिय विद्यार्थियों, और जिसको आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है, ऐसे सभी हमारी युवा युवतियों, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं, देवियों और सज्जनों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत बहुत गौरव होता है। जौनपुर की ये पावन धरा पर आकर मैं यमदग्नि ऋषि की तपोभूमि को प्रणाम करती हूँ। इस पावन भूमि में अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीर सपूत, गणमान्य कवियां, शायर, लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद एवं कलाकारों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने कृतित्व से इस क्षेत्र का न केवल मान बढ़ाया है बल्कि देश और प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है। आज के दीक्षांत में उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज भी ये दीक्षांत समारोह में ये भी हुआ, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, क्या करेंगे आप सब समाज के जो लोग देखते हैं। कुछ सोचिए भाई, सोचिए, ये विद्यार्थियों आज आप जीवन का एक नया अध्याय आरंभ कर रहे हैं। आप आगे बढ़े, गतिमान हो, समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्रीय भाव से परिपूर्ण हो, बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा अर्जित करें, महान पूर्वजों के जीवन चरित्र से आप लाभान्वित हो, यही मेरी कामना है। आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माता पिता, अभिभावक, गुरुजनों एवं शुभ चिंतकों का भी बहुत योगदान होता है। मेरी अपील है कि अपनी जीवन यात्रा के दौरान इन सभी के योगदान को आप सदैव स्मरण करते रहें। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि माता का सम्मान सबसे ज्यादा करना चाहिए, ये नहीं है कि पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए। जन्म देने वाली माँ और इसके बाद शायद 3-4 साल की उम्र तक तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे बड़े हुए। माँ कितनी परेशान हुई जब मैं बीमार हो गया, तब कितनी बार हॉस्पिटल में ले गई, कितनी बार रात की जागना हुआ, कितनी बार आपको थप्पड़ भी मारी होगी माँ ने, चुप रहे, बार बार क्यों रोता है। ऐसे कई काम हमारी माताओं ने, हमारी दादियों ने किया है हमारे लिए मित्र। और जब पढ़ने का समय आया तभी उसने यही सोचा दोनों ने कि हमारी बेटी बेटा अच्छा पढ़े, अच्छा इंसान बने, देश की सेवा करे, गुरुजनों को प्रणाम करे। मित्रों, गांव में जो करना होता है वो भी साथ साथ में करे,
दूसरों की सेवा करने के लिए एक प्रकार की सेंसिटिविटी प्रदान करें मित्रों। ऐसी माताओं का, ऐसे पिताओं का हम संतान हैं, और इसी वजह से मैं ये कहना चाहती हूं कि देश में धीरे धीरे करके वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं? जो माता पिता ने कठिन समय में भी हमें नहीं छोड़ा, उसने रोटी नहीं खाई होगी लेकिन हमें रोटी खिलाई होगी, उसको बिस्तर नहीं मिला होगा लेकिन हमें बिस्तर प्रदान किया होगा। ऐसे माता पिता की जब सेवा करने के लिए जब समय आता है, वो देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, खा नहीं सकते हैं, बीमार है, ऐसे माँ बाप की सेवा करने के बजाय हम पढ़े लिखे लोग वृद्धाश्रम में भेजते हैं, क्या ये शिक्षा हम मान लेते हैं? क्या ये सही मायने में ये हमारी शिक्षा है? और इसी वजह से मैं कभी कभी कहती हूं कि हमारे जो अभ्यास क्रम है इसमें भी ऐसी गतिविधियां हमारे बच्चों के सामने लानी चाहिए कि जिसकी वजह से उनको भी ये लगे कि नहीं, मैं मेरे जीवन में कभी भी मेरे माता पिता को दुख नहीं दूंगा, उनको अलग नहीं करूंगा। क्या हमें समय इतना ही नहीं है कि एक चाय का कप लेकर माँ बाप के सामने बैठकर उनके साथ चाय पिए और थोड़ी सी चर्चा करके अपना काम के लिए निकल जाए? क्या इतना भी समय नहीं है हमारे माता पिता के सामने बैठकर चर्चा करना? और शाम को जब हम काम करने के बाद वापस आए तभी उनके साथ बैठकर कैसा रहा माँ, आज ठीक था ना? इतना ही वो सुनना चाहती है और लंबी बात करना नहीं चाहती है। बेटा बेटी मुझसे इतना ही कहे, बहू हो तो बहू इतना कहे कि माँ आज आप ठीक हो ना, वो ही चाहती है माँ। निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम भी निस्वार्थ भाव से माँ बाप की सेवा करें। इक्कीसवीं शताब्दी ज्ञान की सदी है मित्रों, जिसका सीधा मतलब है कि देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास युवा शक्ति की योग्यता तथा कौशल विकास पर आधारित है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थान छात्रों के कौशल विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाए। हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है और युवा कामगारों की बड़ी संख्या में उपलब्ध हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। युवा शक्ति की योग्यता का निर्माण उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से संभव है और ये काम यूनिवर्सिटी में होता है, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी की बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे युवाओं को इसी तरह ट्रेन करें, इसी तरह उसकी सोच बदले कि जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग दे। ये हमारा कर्तव्य। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें देश के युवाओं के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आज स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक का विस्तृत क्षेत्र है। देश में युवाओं के लिए चारों तरफ नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं में कौशल का विकास करके उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। मित्रों, कल एक रेलवे मिनिस्टर की मैंने स्पीच सुनी। कौन है रेलवे मिनिस्टर, पता है आप लोगों को? अश्विन वैष्णव जी। उनके एक स्पीच थी आपके जैसे युवाओं के सामने और पूरा हॉल भरा हुआ था। उन्हें ये बात बताई कि
कि हम लोगों को मतलब रेलवे के अधिकारियों को, रेलवे के इंजीनियर सब लोगों को ये कहा गया कि अभी जो ट्रेनें बन रही है ये वर्ल्ड बेस्ट बननी चाहिए। इसके जो कोच है, इंजन है, डिजाइन है, अंदर की सुविधाएं हैं, वर्ल्ड बेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि जापान में हो या तो कोई ना कोई देशों में है, ऐसे बननी चाहिए। कितनी ऊंची सोच है देख लीजिए। तो अधिकारियों ने ये सोचा कि चलो कई लोगों को जापान भेज दो, कई लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दो, कई लोगों को वहां जर्मनी भेज दो। जब प्रधानमंत्री को पता चला कि वे तो टूर का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने ये मना किया कि आप हमारे युवाओं पर भरोसा करो, उन पर इतनी ताकत है, उनको लगाओ वो वर्ल्ड बेस्ट कोच हमें बना कर देंगे। हमारे युवाओं पर हमें भरोसा ही नहीं। इतने इंजीनियर है हमारे पास है, इतने आईटी क्षेत्र में कंप्यूटर वाले हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, नए आइडिया है, नया सोच है, नवाचार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका उपयोग नहीं करना और दूसरे देशों में जाना और देखना और उसकी कॉपी करना ये ठीक नहीं है। और इसी वजह से आज हमारा युवा ये ट्रेनों के डिब्बे कोच की डिजाइन बनाने में लगे हुए हैं। तो ये हमारी शिक्षा है, ये हमारे युवा की शक्ति है, कौशल है, उनका उपयोग देश के विकास में होना चाहिए। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री की है। मित्रों एक दूसरी बात उन्होंने बताई, ये बात थी देखिए मित्रों, हम जब डिजाइन करते हैं तब काफी कुछ हम भूल जाते हैं। अभी आप सबने देखा है कि रेलवे स्टेशन अपडेट हो रहे हैं और पहले जो रेलवे स्टेशन था तो एक गांव ईश्वर था, नगर ईश्वर था और रेलवे एक और था। धीरे धीरे करके बढ़ता गया तो रेलवे बीच में आ गई। अब देख लीजिए कोई सिटी, आप देख लीजिए रेलवे बीच में से पास होती है, लेकिन इसकी डिजाइन उसी समय बनी होगी कि एक ही ओर से आपको एंट्री होती है। इस ओर जो लोग नए बसे हैं उनको भी क्रॉस करके इसी ओर ही आना पड़ता है। अभी हुआ क्या कि नवी डिजाइन बनने लगी और डिजाइन बनने के बाद बड़े उत्साह से हमारे इंजीनियर, हमारे अधिकारी रेलवे के प्रधानमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए गए। रात को 11 बजे थे मित्रों, सोच लीजिए रात को 11 बजे थे और इनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ। ये प्रेजेंटेशन उनके सामने हुआ, प्रधानमंत्री देखते रहे कुछ बोले नहीं और ये भी नहीं कहा कि ठीक है, कुछ नहीं कहा, सब चले गए। सबके मन में ये था कि अब क्या होगा। रात को 12 बजे प्रधानमंत्री ने अश्विनी वैष्णव पर फोन किया कि आपको नहीं लगता है कि डिजाइन पूरी बदल देनी चाहिए, क्योंकि सिटी के बीच में से जब ये पास होता है रेलवे ट्रैक, ट्रेनें पास होती हैं, तो जिस ओर नया डेवलपमेंट हुआ है इस ओर भी डेवलप होना चाहिए रेलवे का। तो समझ गए कि ठीक है, बराबर है, हम लोगों ने गलती की है, हमने सोचा ही नहीं कि किसी और जो पुराना था उसको ही बदल बदल करके वे लोगों ने डिजाइन बना दी, लेकिन दूसरी ओर जो लोग रहते थे, हजारों लोग रहते थे, इनके लिए सोचा ही नहीं कि उनको भी अंदर आने के लिए और कुछ न कुछ होना चाहिए, वहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह होना चाहिए, वहाँ अच्छे गार्डन वगैरह होना चाहिए, अच्छी सुविधा पार्किंग की होनी चाहिए, ये तो सोचा ही नहीं था। ये खुद जब लखनऊ में हमारी राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी लखनऊ में आई, उसी समय हम लोगों ने राजभवन में भोज का प्रबंध किया था और इसमें अश्विनी वैष्णव
को मैंने आमंत्रित किया था कि आप भोज में हिस्सा लीजिए, और उसने खुद ने मुझे बताया ये बात कि ये घटना हुई थी मित्रों। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए मित्रों? ये आपका जो सिलेबस है, आपकी जो पढ़ाई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा मित्रों। लेकिन ये हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं, ट्रेनों में बैठते हैं, बाहर भी निकलते हैं, तो ये जब हम देखेंगे नहीं, निरीक्षण नहीं करेंगे, 10-15 लोगों को पूछेंगे नहीं कि भाई इधर आप रहते हो तो आपको क्या परेशानी है, तब जाकर पता चलेगा कि हमारी डिजाइन मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, उसको कोई तकलीफ अंदर आने में उनके जाने में नहीं होनी चाहिए, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी इसमें सुविधा होनी चाहिए, उसको चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, बैठने के लिए सभी स्थान होना चाहिए मित्रों। तो आप तो इंजीनियर हो मित्रों, और इंजीनियर की दृष्टि से मैं बात कर रही हूं आपके सामने कि आप ऐसे 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 प्रवचन सुनो, ऐसे लोगों की ऐप देखो, तो आपको इसमें कुछ नया नया नॉलेज मिलेगा जो आज तक कोई अध्यापक के मुख से आपको कहीं नहीं सुनाई पड़ेगा, नहीं सुनाई पड़ेगा मित्रों। आज भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के विकास और उनके माध्यम से विकसित देश बनने केंद्रित है। यह नीति हमारे युवाओं की सोच, उनके निर्णयों और उनके विश्वासों को प्राथमिकता देती है। कौशल आधारित शिक्षा, लचीले पाठ्यक्रम और बहु विषय पर ध्यान देते हुए भारत को बड़ा बनाने का नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में विश्व समुदाय भारत के शैक्षिक व आध्यात्मिक मूल्यों को बड़ी आशा से देख रहा है, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े समस्त शिक्षाविदों तथा शोधकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे देश व समाज की आकांक्षाओं को पूरा करें, साथ ही विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर भी खरे उतरने का प्रयास करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि हमारा अध्यापन मौलिक एवं शोध आधारित हो, शोध में स्थानीय तथा क्षेत्रीय बिंदुओं को केंद्रित करते हुए वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों के साथ प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, विद्यार्थियों को रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करें ताकि युवा उद्यमी बनकर स्वयं के व्यवसाय विकसित कर आत्मनिर्भर बन सके मित्रों। मुझे बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी कौशल विकास, अकादमिक शोध, ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान, पारस्परिक सहयोग, छात्रों के ज्ञान संवर्धन तथा रोजगार सृजन के लिए विभिन्न विद्यालयों और संस्थाओं के साथ अब तक 9 MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। 9 ही है, ठीक है। ये MOU क्यों होता है मित्रों? विश्व समुदाय के साथ हमें तालमेल करना है मित्रों। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ना है, ताकि हमारे पास ताकत, हमारे पास 65% युवा शक्ति है जो अन्य देशों के पास नहीं है। वो तो वृद्ध हो चुके हैं, एक ही बच्चा चाहिए, दो ही बच्चा चाहिए, इसमें उसका ही कल्याण हो गया है मित्रों। और हमारे पास 65% 35 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, युवा है हमारे पास। तो हमारी ताकत हमारे पास है, युवा शक्ति हमारे पास है, तो ये युवा शक्ति का उपयोग करें में हम विश्व को भी सामने खड़े रह सकते हैं, आंख में आंख मिलाकर विश्व के युवाओं के सामने हम खड़े होकर बोल सकते हैं कि हमारा भारत इस विकसित देश बन चुका है मित्रों। नई शिक्षा नीति सोच ये और ये करना चाहिए हमें, जब तक हम हमारे यूनिवर्सिटी में क्या चलता है, क्या जरूरत है, आसपास के एरिया में जो लोग बसते हैं उनकी जरूरियातों क्या है, नए बदलाव क्या आ रहे हैं,
ये सोच, ये सब पर हम सोचना पड़ेगा मित्रों, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेंगे, अपना कैसे तैयार करके अपना रोजगार खड़ा करेंगे मित्रों। इसी तरह शिक्षा देना चाहिए। जब तक हम हमारा मूल्यांकन स्वयं नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां खड़े हैं। और इसी वजह से जरूरी है नेक मूल्यांकन। हम लोगों ने प्रयास शुरू किया मित्रों, कई यूनिवर्सिटी तो गई नहीं नेक में, कई लोग गए तो बी या तो बी प्लस लेकर आए। नई पॉलिसी में, नई शिक्षा नीति में काफी कुछ चेंजेस किया गया है मित्रों। ये चेंज के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन जो नेक एक्रेडिटेशन का सात जो क्राइटेरिया है इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, किसका जवाब देना पड़ता है। मैं एक दो ही बिंदु आपको कहूंगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स की राय अभिप्राय यूनिवर्सिटी के लिए क्या है। सामान्यतः स्टूडेंट्स को कोई पूछता ही नहीं है ओपिनियन क्या है मित्रों, और यूनिवर्सिटी की ओपिनियन मेकर स्टूडेंट्स ही होते हैं मित्रों। यूनिवर्सिटी ठीक है, यूनिवर्सिटी खराब है, यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, बाहर की दुनिया में बोलने वाले हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं। और जब हमें अभिप्राय लेंगे तो काफी कुछ चीजें वो बताएंगे हमें कि भाई लाइब्रेरी में ये बुक नहीं है, हमारे चाहिए, हमारे टीचर कुछ नया नहीं देते हैं, अच्छा पढ़ाते नहीं है, हमारी लैब है इसमें आधुनिक साधन तो है लेकिन एक दो कम है, ऐसी कुछ सारी चीजें ये बताते रहते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स अपना अभिप्राय देते हैं ये नेक एक्रेडिटेशन में मूल्यांकन में आता है मित्रों। मुझे याद है कि एक यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने वो अपना अभिप्राय दिया कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। हमारे अध्यापक मेरे साथ बैठे थे राजभवन में, तो उन्होंने कहा कि ये निकाल दो। नहीं, क्यों? मैंने पूछा क्यों निकाल दो? आपकी एक जिम्मेवारी है कि ये स्टूडेंट्स को आप बुलाइए और उनको पूछिए कि भाई आपको क्या परेशानी है, आपके पास कोई बुक नहीं है, आप फी नहीं भर सकते हो, कोई अध्यापक आपको कुछ परेशानी करता है क्या, क्यों आपने अच्छी नहीं है ऐसा लिखा? बुलाया और उसने दो बातें कही। गरीब घर का बेटा था, बुक्स नहीं थी, आने जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब ये परीक्षा के लिए आता है और परीक्षा में तो लेट होना ही नहीं है, लेक्चर के समय आधा घंटा लेट आया, 10 मिनट लेना ठीक है, तो उसकी जो पढ़ाई तो होती है, लेकिन जब ये परीक्षा देने के लिए आता है तब 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाता है क्योंकि बस इसी तरह आती। उसने बताया कि बस इसी वजह से मैंने लिखा कि यूनिवर्सिटी ठीक नहीं। अब जिम्मेदारी किसकी है भाई? यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है कि एक बच्चे के लिए भी परीक्षा में समय सर पहुंचे इनके लिए प्रबंध करना, ये हमारी जिम्मेदारी। आप लोगों को मैं अभिनंदन करती हूं क्योंकि खेल की दुनिया में आपकी यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। बीते 8-9 वर्षों में देश में खेल के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम हुआ है, इसलिए अब ज्यादा बच्चे, हमारे नौजवान खेल को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं।
ये बदलाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है और खेल जगत के लिए भी अच्छा है। खेल को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है। हर खिलाड़ी जानता है कि उसके लिए फिट रहना जरूरी है और इसमें फिट इंडिया मूवमेंट की अपनी भूमिका रही है। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए आप सभी एक और काम जरूर करें, अपने जीवन में योग को शामिल करें। योग से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी जागरूक रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने दो बातें आपके सामने रखी। 21 जून के दिन पूरा विश्व योग कर रहा है, तो विश्व को प्रेरणा दी कि यदि आपको फिट रहना है शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से तो योग करिए। हम भी लगे, योग का अभ्यासक्रम शुरू हो गया और वो भी एक रोजगार का विकल्प हमारे सामने आ गया। और दूसरा उन्होंने कहा 2023 की साल मिलेट वर्ष के रूप में आप मनाइए। मिलेट वर्ष मतलब जाड़ा अनाज, मोटा अनाज खाइए। हम भूल गए पिछले 40 साल से बाजरा नहीं खाते, गेहूं ही खाते रहते हैं, कोदो नहीं खाते हैं। जो पहले हमारे माता पिता दादा दादी वो ही खाते थे, सशक्त रहते थे, मजबूत रहते थे और 80 साल 90 साल तक अच्छी तरह से काम करते थे। न कोई बीमारी होती थी, न कोई डायबिटीज होता था। आज 50% से ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रस्त हो गए हैं। क्या करोगे अब? तो दोनों को जोड़ना है, योग भी करो मिलेट भी खाओ। और इसी वजह से मैंने सभी यूनिवर्सिटियों को कहा है कि आप पहले तो छात्र छात्राओं को मिलेट में से अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए प्रैक्टिस करो, सिखाओ। और जो मिलेट बनाते हैं इसकी रेसिपी की बुक भी साथ साथ में बनाइए। और छात्रावास में जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं वहां भी वीक में 1-2-3 दिन मिलेट में से बनी हुई रोटी या तो खीर या तो कुछ बच्चों को खिलाओ, तो ही स्वस्थ होंगे ना। बोलने से नहीं होता है, ये करना पड़ता है। और इसी वजह से कई यूनिवर्सिटी ने, कृषि यूनिवर्सिटी हो या तो मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में उनके लिए मिलेट में से कई व्यंजन बनाए और उनको दे रहे हैं। इतना बड़ा फायदा है, इतना इसमें मिलेट में अनेक प्रकार की कैल्शियम पोटेशियम आयरन वगैरह वगैरह हैं। और इसी वजह से मैं जौनपुर यूनिवर्सिटी के सब अध्यापकों को, स्टूडेंट्स को ये कहूंगी कि आप सीखिए, बनाइए और घर पर माताओं को भी सिखाइए और ज्यादा से ज्यादा वो काम करिए। मित्रों, मिलेट वर्ष के रूप में जब हम मना रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि राजभवन में मिलेट में से बनाए हुए व्यंजन के एक बड़ा एग्जीबिशन करने के लिए मैं आगे बढ़ रही हूं। मित्रों, मिलेट में से बनाती हुई आप लाइए, वहां बेचिए भी बड़ी संख्या में, तैयार करिए, बेचिए, सेल करिए, सीखिए, बनाइए, ये सब होगा मित्र वहां। तो बड़े पैमाने पर हमें करने की आवश्यकता होती है और मोटे अनाजों को हमें खाना चाहिए, स्वस्थ बनना चाहिए। अभी तो बच्चों को भी, जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उनको भी मिलेट में से एक एक आइटम बनाने के लिए राज्य सरकार ने भी तय किया है कि 1-2 आइटम हम आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे और साथ में हमारी जो सगर्भा माताएं हैं, प्रेग्नेंट वुमन है, उनको भी एक खिलाने की आवश्यकता है। मित्रों, मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति हेतु 200 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उन्हें सुविधा संपन्न बनाने का कार्य कर रही है। मित्रों, आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में 3,000 आंगनवाड़ियों में एक आंगनवाड़ी में 40,000 से 50,000 रुपया का शैक्षणिक किट पहुंचा दिया है। मित्रों, और ये सब काम किया है यूनिवर्सिटियों और यूनिवर्सिटियों के साथ जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ये सब ने मिलकर किया है। मित्रों,
तो देखिए कितनी ताकत है हमारे समाज में, कितनी ताकत है हमारे समाज में। इतनी बैंकों के साथ मेरा आना जाना होता है बैंकों के साथ, वे लोग भी इसमें लगे हैं, उनके पास CSR है मित्रों, लेकिन अब कभी प्रयास ही नहीं करते हैं कि CSR में से उनको बच्चों को कुछ देना चाहिए क्या। छोटे बच्चे जो 3 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं उनको बैठने के लिए चेयर नहीं मिलनी चाहिए, उनको लिखने के लिए टेबल नहीं मिलना चाहिए, खाने के लिए अच्छी प्लेट नहीं मिलनी चाहिए, खेलने के लिए कुछ साधन नहीं मिलने चाहिए, कुछ साइकिल नहीं मिलने चाहिए मित्रों। और जो बच्चे हैं वो गरीब के बच्चे हैं, मेरे आपके कोई बच्चे इसमें नहीं जाते हैं मित्रों, वो तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्कूलों में 40,000-30,000 रुपया की फी भर कर जाते हैं, तो गरीब के बच्चों की और कौन देखेगा। तो ये हमारा दायित्व है, समाज की जिम्मेवारी है कि हम एक एक आंगनवाड़ी में 15,000-20,000 के साधन खरीद कर उनको दीजिए, और आज आराम से हमारे बच्चे इसमें आ रहे हैं, 2 गुना बच्चों की संख्या बढ़ गई है मित्रों। ये काम हमारी हिम्मतों का है। टीवी वाले बच्चे गोद लेना मित्रों, स्वयं राजभवन भी गोद लेता है मित्रों, मैंने भी गोद लिया है बच्चों को, टीबी वाले बच्चों को। सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट यूपी में है, और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। क्या बोलने से टीबी मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। मैं तो ये कहूंगी कि एनसीसी एनएसएस के विद्यार्थियों, एमएलए एमपी जनप्रतिनिधियां एक एक बच्चों को गोद ले, एक एक परिवार में जो माँ है कि ये कोई भी हो, युवा हो जो टीबी ग्रस्त है, उनको हम गोद लेंगे, 6 महीने तक उसको कुछ कुछ खिलाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा मित्रों। ये काम हमारी यूनिवर्सिटियों और हमारे कॉलेज के अध्यापक, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसी वजह से मैं वे लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने देखा G20, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में G20 के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा में 11 और 12 फरवरी को और लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक विभिन्न विषयों पर अलग अलग बैठकें संपन्न हो चुकी है। वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में अभी G20 बैठकों का आयोजन होना बाकी है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि लोकतंत्र की जननी भारत को G20 बैठक की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह बैठक मानवता के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य की थीम पर आधारित है। प्रधानमंत्री जी की यह विशेषता है कि वह सरकारी योजनाओं को समाज के साथ जोड़कर संपूर्ण समाज का कार्यक्रम बनाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपने निकट के जनपद वाराणसी में आयोजित G20 बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए नवाचारों, स्टार्टअप, सूचना प्रौद्योगिकी, पेटेंट तथा अन्य गतिविधियों का प्रदर्शनी एवं डिजिटल माध्यम से करें हिस्सा लें। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में विगत 10 से 12 फरवरी अभी 10 दिन पहले 2023 तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्र मंत्रियों, 40 देशों के प्रतिनिधियों, 10 कंट्री पार्टनर, बड़ी संख्या में वैश्विक निवेशक समुदाय एवं नीति निर्धारकों ने सहभाग किया। इस समिट में 33,50,000 करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ₹19,000 से अधिक MOU साइन हुए हैं, इसमें से आपके पूर्वांचल क्षेत्र के लिए 29% का निवेश हुआ है, पूर्वांचल के लिए 30%।
इस बार प्रदेश के 75 जिलों में लिए निवेश आया है जो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं तो ये चाहूंगी आपके पास से कि जो पूर्वांचल में जितने MOU साइन हुए उसका लिस्ट ले लेना चाहिए और कौन से विषय में ये निवेश मतलब कि MOU साइन हुआ है, कोई इधर कुछ न कुछ बनाएगी, कुछ फैक्ट्री आएगी, कोई कंपनी आएगी, कोई रिसर्च सेंटर आएगा, कोई कृषि का कुछ आएगा, तो हमारी यूनिवर्सिटी बदल करे कि हमारे इस विस्तार में फार्मेसी का वो आने वाला है तो हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में और अभ्यासक्रम में बदल देना चाहिए कि हमारे 4 साल बच्चे पढ़ेंगे और फैक्ट्री 4 साल में तैयार हो जाएगी तो उसको वहाँ रोजगार मिलेगा। इसी सोच के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ MOU साइन हो गया, निवेश आ गया, फायदा किसको हुआ? किसी को नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि इस और क्या क्या आने वाला है, इसका लाभ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा, तो हम हमारे नए नए अभ्यासक्रम इसके हिसाब से शुरू करेंगे। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। अब यूपी मतलब शिक्षा हब, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट हब और यूपी मतलब निवेश फ्रेंडली माहौल वाला प्रदेश बन चुका है। मित्रों, यह प्रसन्नता की बात है कि देश विदेश के अनेक निवेशकों ने उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, MSME और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। इससे हमारे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होने वाले। एक बात और कहना चाहूंगी, महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण कड़ी एवं उनका सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता। महिलाएं राष्ट्र विकास में पुरुषों के बराबर ही महत्व रखती। हमारे देश में हमेशा नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को जागृत रखने के और उसे बढ़ाने का काम किया है। आजादी के इस अमृत काल में महिलाएं और बेटियां नए नए पराक्रम करके दिखा रही है। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट उड़ा रही है, सेना, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स और यहां तक क्रिकेट कमेंट्री करने जैसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियों पर है। और आज यहां भी हमारी बेटियां स्वर्ण पदक तालिका में बेटों से आगे है, यही सशक्तिकरण। लास्ट में एक बात करना चाहती हूं, हमारे बीच में बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनका भी कई कई सपने होंगे। जब ये आपको ये स्वर्ण पदक लेते हुए देखेंगे तो उनके मन में जरूर विचार आएगा कि हमें भी कुछ स्वर्ण पदक मिले, गोल्ड मेडल मिले। तो मैं सभी बच्चों को आप सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप आगे बढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और अच्छे नागरिक बनिए। दूसरा, हमारे देश में आंगनवाड़ी की महिलाएं आई हैं। देखिए भाई, मैंने गुजरात में 10 साल तक एजुकेशन का काम किया, वैसे तो 20 साल तक काम किया सब कुछ, लेकिन जो विषय हमारे सामने आते हैं ये वो है कि आंगनवाड़ी में बच्चे कितने, 25, 50, 60। बच्चों की देखभाल करने वाले कितने, 2 छोटे बच्चे। सगर्भा माता का ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो हॉस्पिटल में उसके लिए प्रेरित करना, कुपोषित बच्चों की ओर ध्यान देना, ये सब हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं करती है। मित्रों, पगार कितना ये मैं नहीं बोलूंगी,
और हमारी यूनिवर्सिटी को देखो, डेली दो लेक्चर, दो है ना, पता नहीं वीक का 18 या तो 16 लेक्चर लेके रिसर्च करते हैं, बुक लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। आप कंपेयर करिए मित्रों, सबसे ज्यादा जरूरत है आंगनवाड़ी को श्रद्धन करने का। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, रोते हुए बच्चे, बीमार बच्चे, आधे भूखे बच्चे जहां आंगनवाड़ी में आते हैं, उस पर हमारा ध्यान बहुत ही कम है। और इसी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी को इसके साथ जोड़ा है। भी आप ध्यान रखिए हमारे छोटे छोटे बच्चों का मित्र, और हमारी आंगनवाड़ी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो। इससे और अच्छा काम करो, क्योंकि आप माँ की भूमिका में, माँ की भूमिका, आप अपने बच्चों की तो माँ हो ही, अब ये 50-60 बच्चों की माँ भी आप हो, तो हम तो गौरव करते हैं कि इतने बच्चों की माँ हमारे सामने बैठी है मित्रों। एक अच्छी बात मुझे ये लगी, प्रेरणा कोचिंग, इधर के बच्चे गांव में जा रहे हैं और वह साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे बच्चे पढ़कर भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, और इसी वजह से प्रेरणा कोचिंग वाले सभी विद्यार्थियों को, टीचर्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और लास्ट में एक हमारा आपकी तरह बच्चे पढ़े, पूरा एजुकेशन हो गया, इसके बाद माँ बाप तो ये सोचते हैं ना कि बेटा का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया और बारात गई, मैरिज हुआ, और माँ बाप बहू को लेकर अपने घर पर आए। घर पर आए तो सब लोग बहू को देखने के लिए आए, कैसी है, मोटी है, छोटी है, बड़ी है, लेकिन वो बहू के देखने के लिए नहीं आए थे मित्र, वो दहेज में क्या लाई वो देखने के लिए आए थे। दहेज में क्या लाई वो देखने के लिए आए थे। और बेटे को पूछा कि बेटा दिखाओ ले क्या दहेज में मिला है आपको, तो बेटा तो वो हो गया कि क्या बताऊं। फिर पूछा तो वो चुप रहा। पास के रूम में उनकी बहू वहां बैठी थी, उसने भी सुना कि लोग दहेज में मुझे क्या मिला है वो देखने के लिए आया, तो रोने लगी। लड़के ने ये देखा कि मेरी पत्नी रो रही है तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो बड़ा शानदार जवाब दिया है बेटे ने मित्रों। बेटे ने ये कहा कि देखो आज मैं दुनिया का सबसे संपत्तिवान बेटा बन गया, क्योंकि उनके पिता ने मुझे पढ़ी लिखी होनहार बेटी मुझे दी आज। भाई ने नटखट बहन जो सताया करती थी मुझे, भाई को सताया करती थी, वो बहन मुझे दिया है, और बड़ी बहन ने अपनी छाया मुझे दी है। और माँ कभी संतानों को कभी किसी को बेचती नहीं है, किसी को देती नहीं है, गरीब हो, खाना नहीं है, फिर भी अपने बच्चों को किसी को नहीं देती है। ऐसी माँ ने अपनी कुख में पली हुई एक होनहार बेटी को मुझे दिया है, भला इससे ज्यादा दहेज क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा दहेज में क्या मांग करनी चाहिए। मैंने क्यों किया ये, मैंने ये वार्ता क्यों कही आप सब लोगों को, समझ गए आप कि नहीं समझे, तो दहेज मांगोगे?
आज तो मांगोगे नहीं, खड़े करो, अरे संकल्प करो मित्रों, संकल्प करो। दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी शक्ति पर भरोसा करो आप लोग, अपनी शक्ति पर भरोसा करो। आपकी एक मां है जो जन्मदात्री है, जन्मदात्री है, और दूसरी मां बनी सास, दूसरी मां बनी सास। क्या ये दूसरी मां से भी आप मांग करोगे कि मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो? शर्म आनी चाहिए मित्रों से। और इसी वजह से मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि यदि आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो जिंदगी में कभी भी किसी के पास से दहेज मत मांगना, संकल्प कर लीजिए। और घर में भी यदि आपकी माँ, यदि आपका पिता दहेज की बात करे तो हिम्मत पूर्वक बोलो कि दहेज नहीं लेना है, मत करो दहेज। ये हिम्मत हमारे पास होनी चाहिए और ये हिम्मत ये शिक्षा के माध्यम से हमें हमारे दिल में आनी चाहिए। ये वही मेरा आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद।